जी, अब मैंने क्वेश्चन जी से जे तक की तमाम वैल्यूज़ पुट अप कर दी हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 एज इट इज़ रहेगा हमारा, प्लस 3 टू ज़र 6 ओवर पावर 3। 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। 9 इज़ टू पावर 3। 9 को 3 टाइम्स करेंगे, 9 9 ज़र 81, 81 9 ज़र। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 81 9 ज़र। चाहे तो हम इसको साइड पे भी कर सकते हैं, 9 1 ज़र 9, 9 8 ज़र 72, 729। ये स्टेप हम रफ में कर सकते हैं। इसको मैं चाहूँ तो इसको ये भी लिख सकती हूँ, इसको डायरेक्टली ओपनिंग करके कि भाई ये देखो 3 टाइम्स था ना, हमने 2 टाइम्स को ये कर दिया मल्टीप्लाई, एक ही रहा, और जब दोनों को किया तो ये आंसर। अच्छा अब आते हैं इस पर, 3 को अपने टेबल से डबल टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़र 9। माइनस अपनी जगह रहने देंगे, अभी हम इससे सॉल्व इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ओवर पावर मौजूद है। एक्सपोनेंट को हम रिड्यूस करेंगे पहले, -1 -1 -1, 3 टाइम्स -1 होंगे, यानी 1 3 टाइम्स करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस 3 टाइम्स। अच्छा मैं इसको यहाँ सॉल्व करके बताती हूँ, ये -1 -1 -1, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, और क्या बचा आपके पास? -1, तो ये रहा -1। प्लस 2 इज़ टू पावर -1, ये हमारे पास मौजूद है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 इज़ टू पावर 1। मैं इसको यूं भी लिख सकती हूँ, 2 इज़ टू पावर 1, यानी ये ऊपर था पहले, ये क्या आ जाएगा, लाइन से नीचे आएगा, तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं 9 -1 +1, और ये आ गया डिवाइडेड बाय 2। अच्छा अब इस पर आ जाएँ, ये 2 क्यों आया, 2 अपने टेबल से 1 टाइम ही मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 2, 9 और 1 10 अपॉन 2, और जब हम इसको कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 1 ज़र 2 2 5 ज़र 10, आंसर आएगा हमारे पास 5। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, 3/2 है, ये माइनस। अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ सॉल्व कर सकती हूँ, ये रहा 3/2 एज इट इज़, -(-)+2/1। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 2 2 1 ज़र 2, ऊपर से आ जाएगा 3 2 1 ज़र 2, ऊपर से आया 3, प्लस 1 का ऐसे टेबल पढ़ेंगे 2 आ जाए, 1 2 ज़र 2, और ऊपर से आ जाएगा 2, 1 3 ज़र 3 + 2 2 ज़र 4/2। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 एंड 4 7 7/2, साइड पे गए और जाके डिवाइड किया, 2 3 ज़र 6, रिमेनिंग इज़ 1। क्लॉकवाइज लेके चलेंगे, 3 होल नंबर 1/2 आंसर। इसी तरह हम आते हैं अपने जे क्वेश्चन पे, जे में क्या आ जाएगा, 8 2 ज़र 16। देखिए क्वेश्चन हमारे पास सारा, हमने वैल्यूज पुटिंग की हुई है, सिंपल ये है, 8 2 ज़र 16 माइनस, अभी ब्रैकेट रिमूव नहीं करेंगे, 3 3 ज़र 9, और इसके ऊपर ओवर स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1, इसको भी अभी ऐसे रहने देते हैं, 16 एज इट इज़, माइनस एज इट इज़, 9 9 ज़र 81, 9 अपने टेबल से डबल टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो 81 अपॉन -1। अब 81 में से 16 माइनस करना है, यहाँ लिखा हमने 81 और ये रहा 16। साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की, होगा क्या प्लस माइनस, माइनस, ये हो गया 11, या बचा 5, ये हुआ 7, 7 में से बन गया 6, आंसर क्या है हमारे पास, 65 -65 अपॉन -1, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा 65। हम क्वेश्चन के सॉल्व कर रहे हैं, अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट अप कर ली हैं, ये रहा 2 +-1/3, प्लस एज इट इज़, 3 भी एज इट इज़, प्लस एज इट इज़, 2 1 ज़र 2, और साइन किसकी आएगी, माइनस की, अभी मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, अपॉन 2 में से 1 गया, आंसर आएगा 1/3, प्लस 3 एज इट इज़ +-2/2, 1/3 एज इट इज़,
प्लस एज इट इज़ थ्री में से टू जाएगा वन, वन अपॉन टू। इसको हम लेंगे एलसीएम। अच्छा ये अभी मैंने लिया था एलसीएम मेथड, ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये एलसीएम मेथड लिया था। अब यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन मेथड कर देती हूँ, यानी वन अपॉन थ्री जो आपको इजी लगे, वन अपॉन टू इंटू 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 इक्विवेलेंट करेंगे थ्री टू ज़र सिक्स, यानी थ्री टू ज़र सिक्स तो टू थ्री ज़र सिक्स। जो काम नीचे किए वही काम ऊपर करेंगे, यानी ऊपर भी टू और यहाँ पर भी थ्री एज इट इज़, ये चीज़ यहाँ पर भी आएगी। टू वन ज़र टू अपॉन टू थ्री ज़र सिक्स प्लस थ्री वन ज़र थ्री अपॉन टू थ्री ज़र सिक्स, बेस आपका आया सिक्स, प्लस भी एज इट इज़ टू भी और थ्री भी, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइव अपॉन सिक्स हमारे पास आ जाएगा आंसर। पेज नंबर थर्टी का क्वेश्चन टू का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एल है, इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। अब थ्री थ्री ज़ार नाइन माइनस टू टू ज़ार फोर अपॉन माइनस वन को डबल टाइम करेंगे, माइनस वन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ वन ही आएगा, यानी माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो वन आ गया। वैसे वन लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हमने क्यों लिखा है ये हम आगे बताते हैं। यह है माइनस थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन, थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी सेवन, माइनस माइनस प्लस वन अपॉन माइनस वन एज इट इज़ रहने देते हैं, ये माइनस भी एज इट इज़, और थ्री टू ज़ा सिक्स, नाइन में से फोर माइनस करेंगे फाइव अपॉन वन, माइनस ट्वेंटी सेवन और वन ट्वेंटी एट, और ये आ गया साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की होगा क्या, माइनस माइनस प्लस सिक्स और वन सेवन। अच्छा अब आप गौर से देखिए कि ये फाइव हम ऐसे ही लिखा रहने दे रहे हैं अपॉन वन भी, ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, या आया ट्वेंटी एट अपॉन सेवन। अब मैं इसको अपनी आसानी के लिए चाहूँ तो कैंसिलेशन भी कर सकती हूँ, चाहूँ तो एलसीएम भी ले देती हूँ। अच्छा इसका एलसीएम मैं यहाँ ले कर बताऊँगी आपको, ये और इसका इजीएस्ट मेथड यहाँ पे बता देती हूँ। ये देखा सेवन वन ज़ार सेवन, सेवन फोर ज़ार ट्वेंटी एट, फाइव में फ़ोर को ऐड करेंगे तो फिर इसमें जो है ना ये अपॉन वन की ज़रूरत नहीं है, फाइव में फ़ोर को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका नाइन। इसी तरह जब हम इसमें आते हैं तो हम इसको क्या करेंगे एलसीएम मेथड में हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं, यानी ये रहा फाइव अपॉन वन प्लस ट्वेंटी एट अपॉन सेवन मल्टीप्लाई बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय वन, इक्विवेलेंट हो गया दोनों, जो काम नीचे किया वही काम ऊपर करेंगे। फाइव सेवन ज़ा थर्टी फाइव अपॉन सेवन प्लस ट्वेंटी एट वन ज़ा ट्वेंटी एट, सेवन वन ज़ा सेवन, इन दोनों को ऐड कीजिए क्या आएगा, आठ पाँच तेरह थर्टीन, थ्री टू फाइव एंड वन सिक्स, सिक्सटी थ्री अपॉन सेवन, सेवन वन ज़ा सेवन, सेवन नाइन ज़ा सिक्सटी थ्री, इस तरह से भी आंसर नाइन आ जाएगा। लेकिन ईजीएस्ट ये है कि आप ये कर लें कि इसको यहीं कैंसिलेशन कर लें।